खेलने पोकेमोन अनबाउंड। और पिछली बार हमने सैंड स्लैश को हमने पकड़ा था, पकड़ा नहीं था, उसे उसने वो सैंड स्लैश ने उसका खाना चुरा लिया था, एक बंदे का, मोटे सा बंदा था, उसका खाना चुराया था वो। उसे हमने फिर उसकी जो मिशन, उसका मिशन था ना, हमने कम्प्लीट किया था। तो पिछला एपिसोड जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। तो इस बार हम जाने वाले हैं एक नई सिटी में, पता नहीं कौन सी सिटी, मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट जानेंगे, या बैटल करने में मज़ा नहीं आती क्योंकि मैं बैटल नहीं कर पाऊंगा यार। अभी मेरे पोके काफ़ी लो लेवल के हैं, देख ही सकते हैं कितने लो लेवल के हैं, और ये कुछ काम नहीं करने वाला। आइसिकल स्पेयर, आई सेड ओके, आई सेड क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। ये भी ना, बात इस बार हमने हरा दिया, क्या बात है। गेबल है मेरे पास, सैंड स्लैश है, देखो गाइस मेरे पोकेमॉन देख लो। मैंने सैंड स्लैश पकड़ा था पिछली बार, सैंड चू पकड़ा था पिछली बार, सैंड स्लैश तो मिला ही नहीं हमें। फायर फैंक सीख लिया हमारे गेबल ने, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना जाके, काफ़ी बढ़िया एपिसोड था। नहीं यार, नहीं, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, मार मार के वो हालत खराब कर देगा। ओके ओके, क्या बात है, क्या सही समय पे उठा है, सही है या अब कौन आएगा वो इसकी तो वो, ये क्या बात है, दोनों ही अटैक काफ़ी सही हैं, दोनों ही सुपर इफेक्टिव रहेंगे। तो कौन सा वाला यूज़ करूँ मैं, ये वाला ट्राई करते हैं पहले तो। पाउडर स्नो ही कहते हैं, रोल आउट करते हैं, रोल आउट के लिए ठीक है, काफ़ी अच्छा मूव है, हर बार उसकी पावर बढ़ती जाती है, ये काफ़ी सही मूव है इसके पास, दोनों ही काफ़ी बढ़िया हैं। चलो इसे तो हरा दिया फिलहाल के लिए, चलते हैं आगे। मैं पोके सेंटर में जाऊंगा सबसे पहले, तो बाहर में जो भी, यहाँ पर कहाँ है यार पोके सेंटर, ये रहा। अरे अरे बस बस बस, चलो गाइस मैं एक बार फिर से एक बार सबसे बात कर लेते हैं। और ये बंदा काफ़ी अलग लग रहा है मुझे तो। ओह ये कहीं गाइस 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 गाइस, ये कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ। या एवर मीट दैट मेरे मिट से क्लैक, क्या लिखा है यार, कौन सा नाम है यार। डोंट गेट टू कोजी कोजी विथ हिम, ही इज रियल लोको लोको इन द कोको है, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है। एंड व्हाट ही डज ही इन हैज स्प्रेड टाइम स्प्रे टाइम एंटी फॉर गुड बॉयज एंड गर्ल्स लाइक यू राइट। क्या पागल है क्या, पता नहीं क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके ओके ठीक है, पिकअप पिकअप वुड वुड रूट टू कैन बी कैच, अच्छा ठीक है ओके ओके, किसी काम की नहीं होगा। ये क्या है, सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता रहे हैं यार। फायर स्टोन और लिंक स्टोन, लिंक स्टोन क्या है यार, मैंने आज तक नहीं सुना। ओके कुछ तो नया है इसमें, फ्लावर पैराडाइज इज सो प्रिटी, अच्छा ओके ओके, जो भी है काफ़ी सब हर बंदा है ना काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ बता रहा है। फायर हेड यार उनकी जगह नहीं, बाकी गेम्स में क्या होता है थोड़ा बहुत साइड करेक्टर थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, काफ़ी काम किया है इसमें। ओ गाइस गाइस गाइस, अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये लाइट जल जल रही है, रात हो गई ना तो इसलिए यहाँ पर लाइट जल रही है इसमें, एनिमेशन भी दिखाया था यार, सही है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं, इसलिए मुझे गेम मुझे काफ़ी पसंद है। पोशन ले लेते हैं, खत्म हो गए मेरे सारे पोशन, हम 10 लेंगे। चलो गाइज इतना तो ठीक है, ओके ओके। और इससे मैंने बात की क्या, हैव यू विजिट द ड्रेस्को टाउन ट्रेनर हाउस येट, इट्स द ब्लैक एंड ब्लू बिल्डिंग एट द साउथ एंड ऑफ टाउन, अच्छा ओके। यू कैन बैटल द ट्रेनर देयर एज मच एज यू वॉन्ट, आई इवन हेयर द ट्रेनर्स कैन गेट स्ट्रोंगर एज यू डू, अच्छा ओके। तो ये देखो गाइस यहाँ पर मॉड्रेस का एक स्टैचू है, देखते हैं, इट्स अ स्टैचू ऑफ द लेजेंडरी फायर टाइप पोकेमॉन मॉड्रेस, ओके पता है। इट्स से हेयर दैट मॉड्रेस वॉज वन यूज टू रेन फॉरेस्ट सील ऑन अ ग्रेट डार्कनेस, बट नाउ इट्स रिसाइड्स इन सिंड्रा वॉल्केनो, ओके।
है गाइस, मैं कुछ मतलब ट्रेनर के साथ बैटल कर रहा था यहाँ पर, जो मैंने छोड़ दिया था पीछे। तो मैं बैटल कर ही रहा था, लेकिन मेरा जो सेंसू है वो कुछ नया वो सीख रहा है, तो मैं मेटल ग्लो सीख रहा है, तो मैं उसको सिखाने वाला हूँ। तो मतलब बैटल मैंने शुरू ही की थी, तो उतने में ही सीख लिया था। वो जूबेट आ रहा है, तो रोल आउट करते हैं। रोल आउट काफ़ी बढ़िया है अगर ये काम कर जाए तो। ओके ओके, ओ नो, कंफ्यूज हो गया तो। नहीं यार, नहीं नहीं, ये मिस भी हो जाता है। अगर ये लगातार काम करे तो अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया काम करता है। लेकिन यार ये नहीं यार, कंफ्यूज हो रखा है। अरे यार, सेंसु ऊर्जा, यार ऊर्जा ऊर्जा, ओके सही है। ओके ओके, अब कौन सा आ रहा है, जो भी है ठीक है। ओ नो नो नो, वीक आर्मर, अच्छा ओके ओके, क्या बात है, मतलब इसकी पावर बढ़ती जाएगी देखना रोल आउट की। और ये तो मतलब सच में कमाल था यार, ये वाला तो रोल आउट काफ़ी बढ़िया मूव है। ओ नो, ये दोनों भी आ गए। ओ इनके पास कौन से है, मैं इनसे बैटल करके मिलता हूँ गाइज, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होगा। हे गाइज, मैंने बैटल कर ली उनसे और मैं हार भी गया ठीक है, मेरे पोकेन मतलब मेरे वैसे भी डैमेज थे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर एक मिशन मिला है मुझे, तो मैं इसे ले लेता हूँ, पता नहीं क्या है। फन फैक्ट, डिड यू नो दैट व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंसोल विदाउट सेविंग अ पावरफुल बॉम्ब गोज ऑफ एंड डिस्ट्रॉय योर एंट्री वर्ल्ड, अच्छा यू नेवर नोटिस बिकॉज पैरेलल डायमेंशन इज क्रिएटेड व्हेन एवर यू रीलोड, अच्छा ओके एक मिनट, मुझे इसे थोड़ा समझ दे दो। पैरेलल यूनिवर्स रीलोड, ओके ओके प्लीज़, अच्छा मतलब देखो गाइस, मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ, अगर मुझे जितना समझ में आया। तो देखो, जब भी मैं मतलब अगर मैं इस गेम को बिना सेव किए, मतलब अगर मैं इसे मतलब बंद कर देता हूँ गेम को, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से इस गेम को स्टार्ट करूँगा, कोई रीलोड मतलब कोई दूसरा ही मतलब डायमेंशन आ जाएगा ऐसा कुछ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ कमेंट टू और डिस्ट्रॉय योर ओ वर्ल्ड एनी मोर 100 times विल शो योर कमेंट, थैंक यू फॉर एग्री टू नॉट स्टार्ट, ओके ओके आई विल रिवॉर्ड यू, ठीक है। तो इसने काफ़ी अजीब सा मिशन दिया है, तो अगर मैं मतलब इस गेम को बिना सेव किए मतलब बंद कर देता हूँ, तो इसका जो वर्ल्ड है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगर मैं दोबारा से मतलब इसे ओपन करता हूँ गेम को, तो एक अलग ही डायमेंशन मतलब खुल जाता है, मतलब कोई दूसरे डायमेंशन में ही हम पहुँच जाते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा मतलब कह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में। लेकिन इसमें मतलब हम बिना सेव किए अगर कर देते हैं तो बंद गेम, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीलोड करते हैं, तो एक नया डायमेंशन मतलब खुल जाता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं इस गेम पे। लेकिन ठीक है, और इसने मिशन भी काफ़ी अजीब सा दिया है, तो हमें 100 times सेव करना है गेम को, या तो काफ़ी अजीब मिशन है, एक बार मैं ट्राई करूँ तो। मिशन गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ होते हैं मिशन, एक मिनट, हाँ इसे मूव कर सकते हैं, एक मिनट, ये क्या, ये भी कर सकते हैं हम, इधर उधर मूव कर सकते हैं, क्या बात है यार। गेम सेटिंग है ये, और ये क्या है, मिशन लॉग, हाँ ये है। हीरोज जर्नी, ये तो एक्टिव है। द वेस्ट वॉरियर पोकेडेक्स, द नेशनल पोकेडेक्स, अच्छा ये कौन सा है यार, उसे एंटीडोट देना था वो, एंटीडोट फ्रॉम द पोकेमॉन मार्ट टू रिस्टोर, अबे यार मुझे इसको एंटीडोट देना था मैं, अरे ठीक मतलब डिसेबल कर दूँ क्या, ठीक है बाद में करेंगे इसको। एम आई ब्लाइंड, अच्छा अनकवर द सीक्रेट बिहाइंड द मिस्ट्री स्टोन टैबलेट, हम ये देखते हैं ये क्या है, हम ये देख भी सकते हैं यहाँ पर, अच्छा डोंट टर्न ऑफ द पावर, अच्छा ठीक है ठीक है, लीव बाय सेविंग द गेम एट लास्ट 100 times, अच्छा ओके ओके एक मिनट मैं सेव करके देखता हूँ। गेम को सेव किया मैंने, और कुछ हुआ क्या, इससे कुछ होगा, कुछ तो नहीं हुआ। वो यहाँ पर 93 बता, देखो रिवाइनिंग यहाँ पर लिखा है 93, तो मैं 100 times सेव करूँगा तो मिशन कम्प्लीट होगा ठीक है, मतलब ये तो काफ़ी इजी है, कुछ खास करना तो नहीं है वैसे तो, हमें मतलब हर बार सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर इस बंदे से बात करते हैं, लाइक रिपेल
पता नहीं ये क्या बोला इसने, कुछ भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं ये लोग। साइड कैरेक्टर भी काफ़ी बढ़िया है इसमें, और ये बड़ी सी बिल्डिंग पता नहीं कैसी है, देखते हैं ये क्या है। कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग, हेल पोकेमॉन इन्फो चेंज पोजिशन, अच्छा चेंज पोजिशन क्या है, शुड आई मूव इन फ्रंट ऑफ द डोर, व्हाट ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये पागल है क्या। ओके यहीं पे रहते, यहीं पर ठीक है, इन्फो देते हैं। फील फ्री टू बैटल योर ट्रेनर्स एज मैनी टाइम एज यू विश, अच्छा इफ़ यू हैव द अर्ग टू री बैटल समवन प्लीज लीव एंड देन कम बैक इनसाइड, अच्छा इन्जॉय योर टाइम। तो हम यहाँ पर बैटल कर सकते हैं ठीक है। हील बुक क्या है, अच्छा जो हील करता है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं वैसे, इनसे बैटल कर सकता मैं, एक मिनट मैं इससे बैटल करके देखता हूँ। टेस्ट माई साइकोलॉजिकल डार्क फ्यूरी, अच्छा तो हम यहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं। ओ नहीं 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 मैंने गलती कर दी, कुछ ज़्यादा हाई लेवल के हैं ठीक है, मतलब टैकल फायर फैंक, ये इस पर फायर फैंक ट्राई करते हैं। ओके ओके ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है इस मेरे लिए, पर ओ थैंक गॉड चलो एक तो हराया इसका, काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएंगे यहाँ पर हम। लेकिन गाइज ये ठीक नहीं है फिर भी, ओ एक मिनट गाइज थोड़ा चेक करते हैं कौन से पे किस पर, मतलब फायर फैंक ट्राई करते हैं, कुछ पोकेमॉन को हराना मुश्किल होगा मेरे लिए। ठीक है ठीक है, मेटल क्लो है, पावर टैकल करते हैं इस पर, इसको हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, पर ठीक है मतलब संभाल लूंगा मैं। कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के हैं इसके पोकेमॉन, मेटल क्लो ट्राई करते हैं यार, इस पर करते हैं रोल आउट है ना मेरे पास, तो चीज ट्राई करता हूँ, हम टैकल मारते हैं इस पर, तो टैकल ही ठीक है। ओके 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 प्लीज़ 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 कम से कम एक तो हरा हूँ मैं, ओ यस सही है। टैकल क्या करूँ, किस पे ट्राई करूँ, इस पे करते हैं, देखते हैं रोल आउट काम करेगा तो अच्छा रहेगा। ओ डैम ओ कुछ नहीं हुआ, फायर फैंग ओके, ओ नो 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 ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, चलो कम से कम दो पोकेमॉन तो हराए मैंने, दो नहीं तीन हराए, ओके यस अब नहीं हरा पाऊँगा क्योंकि मेरी पोकेमॉन की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे पता ही था मैं इसके लिए तैयार था। ओके फिलहाल के लिए गाइस मैं थोड़ा घूम रहा हूँ यहाँ पर इधर उधर, टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओ यहाँ पर तो हम वापस आ गए, मैं बस चेक नहीं किया पीछे वाली जगह, तो मैं बाद में जाके चेक करूँगा यहाँ पर कुछ है क्या। एक तो यहाँ पर मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ये लोग बोलते रहते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मैं आप सब सब कुछ सुनिए ना पढ़ने वाला हूँ। एक मिनट ये क्या बोल रहा है, डू यू हैव हैपन टू हैव वन ऑफ दिस रेयर आइस टाइप सैंड स्लैश है यार ये, ओके ओके डस्ट लेट जो भी है ये देगा हमें, एक मिनट डस्ट वॉक देगा क्या हमें, मैं अपना वाला दे दूँ क्या, नहीं नहीं एक बार पकड़ के लेके आएंगे बाद में ठीक है, इसको दे देंगे। हे गाइस हमें यहाँ पर एक और मिशन मिल रहा है तो जल्दी से ले लेते हैं। आर ट्रेनर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू योर होम, माय नेम इज जीगी फ्यूरी जो भी नाम है इसका, माय वाइफ इज जिगराइट क्या नाम रखे यार, एंड आई वुड लाइक टू discuss something very important, discuss very something important relatively piece of our Pokemon known as Zygarde have been appearing all your warriors, however this piece can only be seen if you have a super cube with a special component installed. Zygarde is a Pokemon from Kalos that appear when the echo ecosystem is in danger. What, why it's appearing here and now is a mystery to us. We are trying to find the answer to this, but we need someone to go and collect all of the
इन्वेंटर सेल्स एंड कोर्स ऑफ जायकार्ड डू यू थिंक यू डिड टू डू वी अवेलेबल टू हेल्प अस विद योर रिसर्च वी नीड अ ट्रेनर हु प्लान्स ऑन ट्रैवलिंग टू ओके मैं ये करूँगा क्योंकि मतलब मैं भी जानना चाहूँगा कि मतलब जायकार्ड यहाँ क्या कर रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई होगी तभी तो आया है इफ़ यू शुड प्लीज गिव मी योर क्यूब फॉर अ सेकेंड ओके योर सुपर क्यूब हैज़ बीन अपडेट टू अलाउ यू टू सी एंड कलेक्ट द जायकार्ड सेल द लिटर बोथ वेस्ट एंड ईस्ट वॉरियर्स वन यू हैव कलेक्टेड एट द एट लास्ट 10 ओके प्लीज कम सी माई वाइफ फॉर नाउ गुड लक ओ 100 कम कलेक्ट करने हैं क्या बात है एक मिनट इससे बात करके देखते हैं प्लीज पुट बैक टू मी व्हेन यू कलेक्ट एट लास्ट 10 अच्छा मतलब 10 कलेक्ट कर लें तो उसके बाद हमें आना है वैसे तो मतलब हमें 100 कलेक्ट करने हैं लेकिन 10 पे मतलब आना है हमें एंड टू द वेस्ट ऑफ ड्रेस्को टाउन इज ग्रीन वुड्स अच्छा इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ कूल बग एंड गोस्ट टाइप ऑफ यू शुड चेक इट आउट व्हेन यू हैव अ चांस अच्छा ये बंदा कुछ अलग लग रहा है आई एम सॉरी बट यू कांट गो इन हियर राइट नाउ माय ग्रैंडफादर इज टेकिंग हिज डेली नैप एंड डजंट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब हिम ट्राई टेकिंग ऑन अ ड्रेस्को टाउन जिम व्हाइल यू आर वेटिंग It's pretty foggy in there, so poking with the weather changing, move like sandstorm or defog should really help you out. Now that I think about it, one of my grandfather's favorite was trying to trade any dust dog with defog letting achieve. ओके ओके कैन यू रीड नॉट एवरी वन कैन आई कांट एंड आई फेल इट द फर्स्ट ग्रेट अ कपल ऑफ टाइम्स नाउ कैन यू शो मी द ऑसम पावर ऑफ बेस ट्रेनर टिप साइन शुड बी गुड एक्सप्लेन फॉर वर्ड्स एंड सच कूल यू हैव नीड टू रीड ऑल 45 ट्रेनर टिप साइन ओके 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 जो भी नाम है इसका माई वाइफ इज़ क्या नाम रखे यार इन्होंने एंड आई वुड लाइक टू डिस्क्यूज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट